मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था, इसके विरोध में कांग्रेस के तमाम नेता आज पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे, डीजीपी को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की है कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसकी जांच की जाए और ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। सर क्या मांग की आप लोग ने, डीजीपी से शिकायत की है? जिस तरह से 6 तारीख को जब जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में इंदौर संभाग के कमिश्नर को ज्ञापन देने जा रहे थे, तब उन पर लाठीचार्ज हुआ और बहुत चोट न केवल जीतू पटवारी जी को आई बलकि एक पत्रकार को भी 7-8 टाके आए। ये एक तरह से बर्बर अटैक था, इसकी जांच की मांग हमने की है। कपूर साहब से मिले थे हम और उनने कहा जांच का आश्वासन दिया, जांच हो के जो भी दोषी हैं इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, यहाँ पर विभा पटेल जी भी हैं मैम, आप लोग ने डीजीपी से मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने देखिए डीजीपी साहब को हम लोगों ने बताया कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जिस तरह से हमले के तरीके से लाठीचार्ज हुआ, वहाँ मीडिया कर्मी भी थे, उन पर भी उनको भी चोटें आई हैं और आज हमारे अगर प्रदेश अध्यक्ष पे इस तरह का हमला होता है तो निश्चित तौर से ये दर्शाता है कि पुलिस कितनी लापरवाह है, विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है और लोकतंत्र में ये परंपराएं मान्य भी नहीं है और कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। बिल्कुल, और भी कांग्रेस नेता यहाँ पर है, कुणाल चौधरी जी हैं, पूर्व विधायक हैं। सर आप लोग ने डीजीपी से शिकायत की है, ऐसा क्यों लगता है आपको कि बिल्कुल हमला किया गया? हत्या के प्रयास हो रहे हैं, प्रशासन और पुलिस जो है बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, उनके अनुसांगिक संगठन के रूप में काम कर रही है, जो जनता के मूल मुद्दों की आवाज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस कार्यकर्ता जिस तरीके से अमानवीयतापूर्ण रूप से हमले किए जा रहे हैं सुनियोजित तरीके से। अभी भोपाल में जब हमारे व्यापम पीड़ितों से लेकर पहले करते थे तब भी करा करते थे, आज जब हमने यहाँ पे इस पर प्रदर्शन करा, नीट के ऊपर करा, दूसरी चीजों के ऊपर करा, उसके ऊपर भी जिस तरीके से करा, और कल इंदौर की घटना ने तो जिस तरीके से जानबूझ के, क्या नगर निगम में इतना बड़ा घोटाला हुआ उसकी आवाज उठाना गलत है और उसके ऊपर से केस लगाना और जिस तरह की चीजें करना, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और देश के अंदर ये जो कोशिश है पुलिस प्रशासन बीजेपी के अनुसांगिक संगठन के रूप में काम कर रहा है। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा आप लोग का? आप लोग ने डीजीपी से भी मुलाकात कर ली है, तमाम तरह के आरोप लगाए कि हमले की कोशिश की गई है, जान से मारने की कोशिश की गई है, अब आगे क्या रहेगा? देखिए लगातार हो रहा है, जनता जो है आंदोलन कर रही है और शासन जो है वो अत्याचार कर रहा है, लगातार आंसू गैस छोड़ रहा है, वाटर कैनन छोड़ रहा है। जीतू पटवारी जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन लगातार विरोध कर रहा है और लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिसमें जान जा सकती है, जान मतलब ये जान लेना चाहती है सरकार, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, आम जनता की, मतलब मुद्दे ही ना उठाए जाएं, आवाज ही ना उठाई जाए। तो ये सरकार दमनकारी नीतियां अपना रही है और ये दमनकारी नीतियों के विरोध में लगातार कांग्रेस आगे रहेगी और जनता भी हमारे साथ बढ़ चढ़कर आगे आएगी। बिल्कुल, ये कांग्रेस के तमाम नेता हैं डीजीपी से आज मुलाकात करके आए हैं और इनका यही कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार जनता की आवाज़ उठा रही है, कई मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन पुलिस का और सरकार का जिस तरह से रवैया है वो आवाज़ को दबाने का है और अगर इसी तरह से रहेगा तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर जो है उनके मुद्दों को लगातार उठाएगी, चाहे इसके पीछे उनकी जान ही क्यों ना जाए। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए अमर खान।